इंदौर शहर के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भंवर सिंह शेखावत ने पत्रकारों से कोरोना से जनता को हो रही परेशानी और जिला प्रशासन के प्रयासों की असफलता के बारे में बातचीत की। शेखावत का कहना है कि करीब 5 महीनों से इंदौर भी कोरोना जनित परेशानियों का सामना कर रहा है। जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी आम जन को राहत मिलना ऐसा नहीं लगता है, लेकिन छोटे बड़े व्यापारी प्रशासनिक सख्ती का शिकार हो रहे हैं। धंधे और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों की मनमानी और इलाज के नाम पर चल रही लूट पर भी प्रशासन ने आंखें मूंद रखी और शहर में प्रशासन के लेफ्ट राइट सिस्टम को भी असफल बताते हुए कहा कि जहां दुकानें खुलती हैं वहां भीड़ हो जाती है, इसलिए प्रशासन को नया कदम उठाना चाहिए। शहर के जनप्रतिनिधि जनता की मदद के बजाय चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी मंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनके बजाय उषा ठाकुर को बनाया जाए तो बेहतर होगा। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। चाहते हैं उस पर विचार करें। आपने कहा सब्जी मंडी एक जगह क्यों होना चाहिए? आप सब्जी मंडी शहर के चार कोनों पे सब्जियां उगाई जाती हैं और व्यापारी लाते हैं, चार कोनों पे चार सब्जी मंडियों पे आप खुलेआम अलग अलग तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके सब्जी बेचने के लिए अनुमति दीजिए। आप 400-500 रोज ठेले वालों को ऐसा कर सकते हैं जो सब्जी घर घर जा कर के दे देंगे, कोई भीड़ नहीं होगी। आप एक जगह मंडी खोल देते हो तो आदमी को सब्जी खरीदना है तो एक जगह जाएगा ना, आप चार जगह बेचेंगे चार जगह जाएगा। आप ये व्यवस्था तो प्रशासन को करना है भाई। रोज तो दूध भी लगेगा, सब्जी भी लगेगी, अन्न भी लगेगा, रोटी भी लगेगी। सर आपकी ये बात जो है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं, किसी और उचित प्लेटफॉर्म पे? नहीं, मेरे सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत बात भी की है, प्रशासन से भी मैं बात करता हूँ। तो प्रशासन से मेरा अबोला बोले संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इनको भी कहता हूँ कि आप रोज़ अखबार पढ़ते हो, जनता की मांग क्या आ रही है, जनता क्या चाहती है, जनता को क्या कष्ट है, आप इस पर जरा विचार तो करो। आपने ये भी कहा था कि जो प्रभारी मंत्री है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रभारी मंत्री खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए उनका सारा समय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है। अब प्रभारी मंत्री का काम तो जनता की, व्यापारियों की, किसानों की, बाकी समस्याओं के लिए भी होना चाहिए। अगर उनके पास समय नहीं है और चुनाव में वो व्यस्त है तो वो उनकी आवश्यकता है। और इसलिए मैंने कहा कि वो प्रभार अगर टेम्परेरी तौर पर किसी और मंत्री को दिया जा सकता है जिसके पास समय हो और जनता की समस्याएं सुनकर के वो प्रशासन से बात कर सके। वो मंत्री कौन हो सकता है? अरे उषा ठाकुर है, आपके शहर में है ना, कौन हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री है शहर में? सीनियर है, सीनियर विधायक है, और टेम्परेरी तो बात है, चुनाव के बाद फिर वापस आप तुलसी राउंड बना दे, कौन किसको आपत्ति है? चुनाव तक उनके पास समय नहीं है ना, ठीक है, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा मंत्री रोज तो जनता के बीच में बैठकर उनकी समस्या प्रशासन से बात कर ले, ऐसा तो करना पड़ेगा। पैसे नहीं बचे हैं, इसके ऊपर भारी बिजली के बिल आ रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 3 महीने के बिजली के बिल इनके माफ़ किए जाएं। जब लोगों की कमाई नहीं हो रही तो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? आज वो बिजली के बिल कम करने के लिए MPP के ऊपर भीड़ लगी हुई है, लेकिन अधिकारी उसकी सुन नहीं रहे हैं। ये भारी भारी बिजली के बिल उसके ऊपर जो है एक आघात के रूप में है। और उसके बाद जब 5 महीने पूरे हो चुके हैं तब मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप कम से कम ये करिए कि अगर आपको 2 दिन लॉकडाउन करना है तो शनिवार रविवार पूरा लॉकडाउन करिए, जनता स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन बाकी 5 दिन उसको निर्बाध रूप से कारोबार करने दीजिए। अगर धंधा नहीं चलेगा, दुकानें नहीं खुलेगी, व्यापार नहीं होगा तो आदमी आत्महत्या करने के लिए, प्रताड़ित होने करने के लिए आगे बढ़ेगा, लूटपाट मचेगी, अराजकता का माहौल बनेगा, और जब किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो दूसरे की रोटी छीनने का उसकी प्रवृत्ति बनती है। आप इस प्रवृत्ति को आप बढ़ाएं नहीं, फुटपाथ और डेली ठेला चला करके जो अपना रोजगार कमा रहे हैं 20-25 रुपये रोज, उनको भी आपके जो कर्मचारी धंधा नहीं करने दे रहे, ये अपराध है। इसको अपराध की श्रेणी में मैं इसलिए मानता हूँ कि अगर आपने किसी को कमाने के लिए उसके कारोबार को बंद किया है, उसके आर्थिक आधार स्रोत बंद किए हैं, तो वो फिर अपराध की श्रेणी में जाता है। और इसलिए मेरी मांग है कि आप 5 दिन जो है आदमी को व्यापार करने दीजिए, सारे व्यापारियों को, चाहे फुटपाथ पे करता है, अपनी दुकान खोलता है, शनिवार रविवार आपको बंद रखना है, पूरा बंद रखिए माकूल, जनता खुद चाहती है, हर एक आदमी अपना शरीर भी बचाना चाहता है, अपने स्वास्थ्य को भी बचाना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन जितने कोरोना से लोग नहीं मरेंगे, अगर आपने ये व्यवस्था जारी रखी तो लोग आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनका आर्थिक आधार समाप्त हो चुका है, उनका सब्र टूट चुका है, और अभी सब्र को सड़कों पर न आए इसके बारे में तुरंत विचार होना चाहिए।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।